क्रिकेट जगत में जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात होती है तो लगभग खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरे करियर में केवल अपने ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। इन सब के बीच कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट गलियारों में दो देशों के लिए खेलने की सफलता हासिल की, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन आज के इस खबर में हम आपको भारत क्रिकेट टीम के एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल भारत के लिए बल्कि इसके अलावा इंग्लैंड के लिए भी प्रतिनिधित्व किया था। भारत से ये कारनामा करने वाले और कोई नहीं बल्कि पूर्व दिवंगत कप्तान इफ्तिखार अली खान पटौदी रहे। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके इफ्तिखार अली खान पटौदी ने न केवल भारत बल्कि उससे पहले इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरने का काम किया। भारत के मशहूर क्रिकेटर नवाब मंसूरी अली खान पटौदी के पिता इफ्तिखार अली खान पटौदी ने सबसे पहले इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। साल 1932 में इफ्तिखार को इंग्लैंड क्रिकेट टीम में डगलस जॉर्डन की कप्तानी में खेलने का मौका मिला। इफ्तिखार ने सिडनी में 2 दिसंबर 1932 को खेले गए अपने डेब्यू मैच में ही शतक के साथ आगाज किया था। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 102 रन खेले, फिर उसके बाद उन्हें कुछ खेलने का मौका नहीं मिला। इफ्तिखार को इंग्लैंड के लिए आखिरी बार 1936 में खेलने का मौका मिल सका था। इसके बाद वो भारत लौट आए। करीब 10 साल की मेहनत के बाद इन्होंने 1946 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ना केवल क्रिकेट खेला बल्कि क्रिकेट टीम इंडिया की कप्तानी भी करने का मौका मिला। वो भारत के लिए ज़्यादा लंबा नहीं खेल सके और 3 टेस्ट बस खेल पाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पूरे करियर में केवल 3 मैच खेला, जिसमें उन्होंने 3 इंग्लैंड के पक्ष में खेला और 3 इंडिया के लिए खेला। इफ्तिखार अली खान की बात करें तो वो पंजाब के एक राजसी परिवार से नाता रखते हैं, जिसे उन्हें नवाब ऑफ पटौदी कहा जाता है। उनकी केवल 42 साल की उम्र में पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरने पर मृत्यु हो गई थी। तो आपको यह जानकर कैसा लगा कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के एक महान ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने केवल इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के लिए भी क्रिकेट खेला था? आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।